लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद। स्वागत है आपका गीत गजल और कविताओं के ऐसे अनूठे कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह जी वाह। आज हमारे साथ तीन ऐसे नए सितारे हैं जिनके जज्बा और जुनून का आलम यह है कि जब उनकी शायरी का जादू बिखरेगा तो आप खुद ब खुद क्या उठेंगे, वाह जी वाह। हमारे साथ हैं थाना मुंबई से पधारे एक ऐसे व्यक्ति जो पेशे से चारागर हैं, बहुत खूबसूरत कविता करते हैं। बिना किसी तमहीद के मैं आपसे उनका तारुफ करा देता हूं, वो है डॉक्टर निशित चंद्रा। निशित चंद्रा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और हमारे दूसरे, मैं कहूंगा कि हमारे नवोदित कवि जैसा हमने आपसे वादा किया है, वो हैं डॉक्टर फारूक अंसारी साहब, जो पेशे से वो भी डॉक्टर हैं और कोपरखैरना नवी मुंबई से ताल्लुक रखते हैं। अंसारी साहब आपका स्वागत है, इस्तकबाल है आपका जी, बहुत शुक्रिया। और हमारे तीसरे जो सितारे हैं, आप यकीन मानिए कि उनकी चमक बहुत तेज है, जिस वक्त वो चमकेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो गया। मेरी मुराद है मानकुर से पधारे एक ऐसे कवि, एक ऐसे शायर जिनका नाम मासूम है और वो बैरागी भी हैं। मासूम बैरागी साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह जी वाह। दोस्तों चलिए आज की महफिल की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में आज के पहले कवि को दावत सुखन देते हैं, कविता पाठ का निमंत्रण देते हैं। मैं आवाज देना चाहूंगा एक ऐसे कवि को जो बहुत मुखर होकर अपनी बात कहता है, साफ जबान में अपनी बात कहता है और जो बात कहता है वो डंके की चोट पर कहता है। एक ऐसा शायर जो नवोदित है लेकिन मुस्तकबिल में एक सच्ची कहानी लिखेगा। मेरी मुराद है थाना मुंबई से पधारे डॉक्टर निशित चंद्रा जी। निशित चंद्रा जी, आपका स्वागत है, आइए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब मुझे दावत देने के लिए, और ये बहुत बड़ा मंच है और मैं भाग्यशाली हूँ कि आज मुझे यहाँ से कविता पाठ करने का आमंत्रण आया। जी जी, स्वागत है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीद पर खरा उतरूं। तो आइए विलंब ना करते हुए प्रारंभ करता हूं। और आपको पता है मैं इश्क पे ज्यादा बातें करता हूं, तो डंके की चोट पे नहीं नजाकत के साथ करूंगा। जी स्वागत है, स्वागत है। साथ देंगे तो इश्क क्या है, तो वहां से शुरुआत करता हूं कि जुनून कहो या फितूर, जुनून कहो या फितूर, इश्क है तो है। सौ सवालों का ये जवाब है, सौ सवालों का ये जवाब है, ये इश्क तो लाजवाब है। सौ सवालों का ये जवाब है, ये इश्क तो लाजवाब है, है कभी तो तीखा सा ये सच, है कभी तो तीखा सा ये सच, तो कभी ये झूठा ख्वाब है। सवालों का ये जवाब है, ये इश्क तो लाजवाब है। और ऐसी भी क्या अमीरी जो रिश्ते गरीब बना दे, क्या कह रहे? माना कि तू तो अमीर है, माना कि तू तो अमीर है, नहीं इश्क तो तू फकीर है। माना कि तू तो अमीर है, नहीं इश्क तो तू फकीर है, हासिल जिसे दौलत ये इश्क, हासिल जिसे दौलत ये इश्क, वो फकीर भी नवाब है, वो फकीर भी नवाब है। सौ सवालों का ये जवाब है, ये इश्क तो लाजवाब है। तुमसे मिलने का ख्वाब अधूरा था, तुमसे मिलने का ख्वाब अधूरा था, पर तुमसे मिलकर मैं पूरा था, और तुमसे मिलकर मैं पूरा था। यहाँ एक नसीहत देना चाहूंगा आज की युवा पीढ़ी को, आज के नौजवानों को,
ना करने से ना तो मरने से, लोग जान देने पे आमादा हो जाते हैं इश्क के लिए। अरे इश्क लोगों को जिंदा रखता है। ना करने से ना तो मरने से होता नहीं ये इश्क है, ना करने से ना तो मरने से होता नहीं ये इश्क है। साथ दीजिएगा, ना तो करने से ना तो मरने से होता नहीं ये इश्क है, ये तो खुद ही फैले है दिलों में, ये तो खुद ही फैले है दिलों में, जैसे जंगल में फैले आग है, सौ सवालों का ये जवाब है, ये इश्क तो लाजवाब है। अच्छा, माना कि लोग कहते हैं ना नशा नहीं करना चाहिए, तो मैं भी मानता हूं। माना कि नशा खराब है पर इश्क का हो तो क्या बात है, क्या बात है। अंगूर से माना कि नशा खराब है पर इश्क का हो तो क्या बात है। अंगूर से ना अंगूरी से, अंगूर से ना अंगूरी से, ना मैं से ना ही शराब से, ना अंगूर से ना अंगूरी से, ना मैं से ना ही शराब से, चढ़ता है ये तो बिन पिए, चढ़ता है ये तो बिन पिए, इसका नशा बेहिसाब है, इसका नशा बेहिसाब है, सौ सवालों का ये जवाब है। बिल्कुल, आखिरी लाइन है, करो इश्क सब कुछ छोड़ कर, मतलब काम धंधा नहीं, बैर भाव, नफरत, जाति पाति सब छोड़कर, करो इश्क सब कुछ छोड़कर, रहो बस दिलों को जोड़कर, करो इश्क सब कुछ छोड़कर, रहो बस दिलों को जोड़कर, कहते नहीं ये तुमसे निशीत, कहते नहीं तुमसे ये निशीत, ये तो बस खुदा की आवाज है, ये तो बस खुदा की आवाज है, सौ सवालों का ये जवाब है, ये इश्क तो लाजवाब है, ये इश्क तो लाजवाब है, ला 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 ला। बहुत बहुत शुक्रिया, इश्क करते रहिए, इश्क पढ़ते रहिए, इश्क समझते रहिए। आए जो मेरी याद तो तुम सब्र कर लेना, आए जो मेरी याद तो तुम सब्र कर लेना, सताए जो मेरी याद तो तुम चांद तक लेना। आगे कहते हैं कि सौ सवालों का ये जवाब है, ये इश्क तो लाजवाब है। जोरदार तालियों से हौसला अफजाई कीजिए डॉक्टर निशीत चंद्रा जी का। आपको अपनी शायरी से लुत्फंदोज कर रहे थे डॉक्टर निशीत चंद्रा। दोस्तों, इस महफिल में शायरी कविताओं का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, हम यूं गए और यूं आए, आप देखते रहिए टीवी वन इंडिया लाइव। क्या है समस्या, कौन है जिम्मेदार, नगर सेवक, अधिकारी या सरकार? वार्ड परिक्रमा में खुलेगा भ्रष्टाचार का राज, जब बुलंद होगी आम जनता की आवाज। नगर सेवक को तो कभी नहीं देखा, नगर सेवक का भी काम है कि वो आके उसके नगर में देखे, डेवलपमेंट तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा। काम बहुत किया है। वार्ड परिक्रमा खोल खोल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा और मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ गीत गजल और कविताओं का एक अनूठा कार्यक्रम जिसका नाम है वाह जी वाह। यदि आपकी लेखनी में है दम तो टीवी वन इंडिया पर आपको दिखाएंगे हम। तो फिर देर किस बात की, आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम और अपने साहित्य को दीजिए एक नया मुकाम। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे लिखे नंबर पर संपर्क करें।
दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है गीत गजल और कविताओं की उस महफिल में जिसका नाम है वाजिवा। आज की इस महफिल को और आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि ये तीनों सितारे जो यहाँ बैठे हैं, इनके जुनून और जज्बे का आलम यह होगा कि कल जब ये अपने जुनून का जलवा बिखेरेंगे, जुनून की रोशनी बिखेरेंगे, तो हर तरफ आपको सुकून मिलेगा, शायरी मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी। यही हमारा मकसद है, यही साहित्य कहता है, यही कल्चर कहता है। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं अब एक ऐसे नौजवान शायर की तरफ चलना चाहता हूं जिनकी उम्र भले मुझसे ज्यादा हो लेकिन दिल उनका अभी भी बच्चे ऐसा है। अपनी शायरी की इफ्तिताह कर रहे हैं आपकी मोहब्बतों के बीच, और हमारी आपको एक दुआ है कि जिस तरह से आप अपने प्रोफेशन में एक डॉक्टर होने की हैसियत से, चारागर होने की हैसियत से जिस तरह से आप मशहूर और कामयाब हुए, उसी तरह से आप शायरी में भी कामयाब हों। मेरी मुराद है कोपरखेड़ नवासी से पधारे हुए एक ऐसे शायर जो नवोदित शायर हैं, डॉक्टर फुरकान अंसारी। फुरकान अंसारी साहब, आपका स्वागत है हमारी महफिल में। आज मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, वाजिवा में मुझे आमंत्रित किया और मेरा जो शायरी का सफ़र है समाप्त फरमाइए, शायद आपको अच्छा लगे। स्वागत है। स्वागत स्वागत। आंसू से आँख भर लूं और रवा होने न दूं। क्या बात, क्या बात। आंसू से आँख भर लूं और रवा होने न दूं, उनसे मिलके से बिछड़ूं के जुदा होने न दूं। आंसुओं से आँख भर लूं और रवा होने न दूं, आज मिलकर कब मिलेंगे किसको जाने क्या खबर। आज मिलकर कब मिलेंगे किसको जाने क्या खबर, कैद कर लूं दिल में उनको। क्या बात है। और पता फिर बढ़िए मुकर्रर, कैद कर लूं। आज मिलकर कब मिलेंगे किसको जाने क्या खबर, कैद कर लूं दिल में उनको और पता होने न दूं, आंसुओं से आँख भर लूं और रवा होने न दूं। जिंदगी का क्या भरोसा घट रही है दम बदम। जिंदगी का क्या भरोसा घट रही है दम बदम। शुक्रिया सर। जिंदगी का क्या भरोसा घट रही है दम बदम, फूक डालूं सारे शिकवे और धुआं। फूक डालूं सारे शिकवे और धुआं, आंसुओं से आँख भर लूं और रवा होने न दूं। एक दूसरी एक इंसिडेंट है जिसको हम भूल कह सकते हैं, जैसे अभी आपने पहले शायर से सुना, डॉक्टर साहब इसके बारे में आपको राय दे रहे थे कि आप इश्क करिए, तो मैंने भी ऐसा इश्क करके देखा उनकी। अच्छा। लेकिन राय से मैंने पहले किया था। हाँ। तो मैं उसका अपने एक्सपीरियंस आपके सामने। जी, स्वागत है, स्वागत है। बड़ी भूल हुई तुझे प्यार किया, बड़ी भूल हुई तुझे प्यार किया, तेरे प्यार पे क्यों एतबार किया, प्यार का नाम लिया
सर पे अंजाम लिया, मैंने हाथों से तेरे जब कभी जाम पिया, जाम वो छूट गया, गिरते ही टूट गया, जैसे महफिल में मेरा दिल कोई लूट गया, अब बता कैसे जीऊं, खून दिल कैसे पीऊं, चाक दामाने जिगर मैं सीऊं या ना सीऊं, अब गुल में खुशबू ही नहीं, बस में अंजुम ही नहीं, क्या करूं सहरे चमन हाय जब तू ही नहीं। अब दिल दुखाने से भला फैज क्या तुझको मिला, आरजुओं का किला तूने क्यों तोड़ दिया, क्या कह रहे अपना क्या वो राजमहल यानी वो ताजमहल, अरे तू जो आए तो बने आज आज महल, तू मगर आएगा क्यों, महल बनवाएगा क्यों, यानी हालत पे मेरी रहम फरमाएगा क्यों, अब दिल को जब तोड़ चला मुझसे मुंह मोड़ चला, फिर जरा ये तो बता याद क्यों छोड़ चला, आसरा मुझको ये था होगा तू जलवानुमा, पर जब तू ना आया तो दिल ने ये रोकर कहा बड़ी भूल भी तुझे प्यार किया। क्या कहने क्या कहने क्या क्या आंसुओं से आंख भर लूं और रवा होने न दूं, उनसे होके ऐसे बिछलूं कि फिर जुदा होने न दूं। अपनी शायरी से आपको लुत्फंदोज कर रहे थे डॉक्टर फुरकान अंसारी साहब। ऐसी शायरी करने वाले शायर को हमारी दिली मुबारकबाद है कि आप यूं ही शायरी करते रहें और लुत्फंदोज होते रहें, और हम जैसे जो शायरी को पसंद करने वाले लोग हैं उन तक अपनी खुशबू को पहुंचाते रहें। दोस्तों, इस महफिल में शायरी कविताओं का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, हम यूं गए और यूं आए, आप देखते रहिए टीवी वन इंडिया लाइव। क्या है समस्या, कौन है जिम्मेदार, नगर सेवक, अधिकारी या सरकार? वार्ड परिक्रमा में खुलेगा भ्रष्टाचार का राज, जब बुलंद होगी आम जनता की आवाज। नगर सेवक को तो कभी नहीं देखा, नगर सेवक का भी काम है कि वो आके जिसके नगर में देखे, डेवलपमेंट तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा। हम बहुत प्यारे वार्ड परिक्रमा खोल खोल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा और मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं गीत गजल और कविताओं का एक अनूठा कार्यक्रम जिसका नाम है वाह जी वाह। यदि आपकी लेखनी में है दम तो टीवी वन इंडिया पर आपको दिखाएंगे हम। तो फिर देर किस बात की, आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम और अपने साहित्य को दीजिए एक नया मुकाम। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे लिखे नंबर पर संपर्क करें। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है गीत गजल और कविताओं की उस महफिल में जिसका नाम है वाह जी वाह। आज की इस महफिल को और आगे बढ़ाते हैं और आवाज देते हैं मान खुद मुंबई से पधारिए उस ऐसे कवि को, उस ऐसे शायर को जो अपने शायरी के उरूज रखते हैं। मेरी मुराद है मान खुद मुंबई से पधारे हुए मासूम बैरागी साहब। बैरागी साहब, आपका हमारी महफिल में इस्तकबाल है, स्वागत है, आइए। मोहतरम हाजरीन, मैं अपने आदर्शों को प्रणाम करने के उपरांत आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, हम लोगों को सुन रहे हैं, बात इश्क और मोहब्बत की चली है क्योंकि मैं मासूम हूँ, और अगर मासूम गलती भी करेगा तो गुनहगार नहीं कह जाएगा। अपने भाइयों से दुआएं चाहता हूँ। मैं एक औरत से प्यार करता हूँ। वाह, एक ही से न? बस एक ही से करता हूँ, लेकिन मैं कब से कर रहा हूँ, आज भी करता हूँ, कल भी करता था और करता रहूंगा जब तक दुनिया में सलामत रहे, उसके लिए दुआएं बोलूं से जाऊंगा। और एक मतलब और एक शेर कि मेरे सपनों में रोजे आती है, मेरे सपनों में रोजे आती है, मेरे सपनों में रोजे आती है, नींद अक्सर मेरी उड़ाती है, बहुत अच्छे सर, नींद अक्सर मेरी उड़ाती है। और दुआएं तो अब आपकी चाहूंगा कि जबकि परदेश में मैं होता हूँ, जबकि परदेश में मैं होता हूँ, याद माँ की बहुत सताती है, याद माँ की बहुत सताती है,
जो लोग भी हमारी आवाज को सुने, जहां तक ये पैगाम जा रहा है, उनको मैं एक पैगाम देना चाहूंगा वाजीवा की तरफ से। जी स्वागत। एक मतलब और एक शेर, दुआएं चाहूंगा अपने बड़े लोगों से कि खुशबुओं की तरह यूं बिखर जाएंगे। बहुत अच्छा, खुशबुओं की तरह यूं बिखर जाएंगे। खुशबुओं की तरह यूं बिखर जाएंगे, खुशबुओं की तरह यूं बिखर जाएंगे, याद बन के दिलों में उतर जाएंगे, याद बन के दिलों में उतर जाएंगे। दुआएं चाहूंगा आप तमाम हजरात की कि लोग पढ़ते रहेंगे सदी दर सदी। ये बतौर खास जो शेरा इकराम मेरी आवाज सुन रहे हैं उनकी जानिब से, उनकी जानिब है कि लोग पढ़ते रहेंगे सदी दर सदी, लोग पढ़ते रहेंगे सदी दर सदी, हम तो इतिहास बन के गुजर जाएंगे, हम तो इतिहास बन के गुजर जाएंगे। मोहब्बत मैं भी करता हूँ, करता रहूँगा, अलग अलग बात फिर मैं आ रहा हूँ इस मोहब्बत की दुनिया में, इसलिए कि आज का ये प्रोग्राम है इश्क और मोहब्बत के नाम है, मतलब हाजिर कर रहा हूँ। दुआएं चाहूँगा तमाम कि वादिये उल्फत में मेरा, वादिये उल्फत में मेरा, हम सफर कोई न था, वादिये उल्फत में मेरा, हम सफर कोई न, हम सफर कोई न था, वादिये उल्फत में मेरा, हम सफर कोई न था, और तेरी यादों के सेवा अल मुख्तसर कोई न था, तेरी यादों के सेवा अल मुख्तसर कोई न था। सिर हाजिर कर रहा हूँ कि मर गया अंसारी साहब, बतौर खास आपके नाम जी जी इनायत, कि मर गया नाखाम उल्फत मंजिले इसरत से दूर, मर गया नाखाम उल्फत मंजिले इसरत से दूर, लाशे उल्फत पे मेरी नौहागर लाशे उल्फत पे मेरी नौहागर कोई न था। हासिले गजल ये शेर मैं अर्ज कर रहा हूँ जिसके लिए मैंने गजल कहा है। दुआएं चाहूंगा अपने बुजुर्गों की कि चाक दामानी पे मेरे गुल हंसे बस दो घड़ी, चाक दामानी पे मेरे गुल हंसे बस दो घड़ी, शाम तक फूलों में अपने हाल पर कोई न था, शाम तक फूलों में अपने हाल पर कोई न था। आखिरी शेर हाजिर कर कि यूं इश्क की सरमस्तियां थी हुस्न का था बाकपन, इश्क की सरमस्तियां थी हुस्न का था बाकपन, उड़ रहे थे दोनों ही
उड़ रहे थे दोनों ही, बेबालों पर कोई न था। उड़ रहे थे दोनों ही, बेबालों पर कोई न था। मक्ता हाजिर कर रहा हूँ, दुआएं चाहूंगा कि यूं तो इजहारे मोहब्बत करते थे मासूम सब। यूं तो इजहारे मोहब्बत करते थे मासूम सब, गर्क होने वालों पर बाशस में तर कोई न था। गर्क होने वालों पर बाशस में तर कोई न था। यूं तो इजहारे मोहब्बत करते थे मासूम सब, यूं तो इजहारे मोहब्बत करते थे मासूम सब, यूं तो इजहारे मोहब्बत करते थे मासूम सब, गर्क होने वालों पर बाशस में तर कोई न था। गर्क होने वालों पर बाशस में तर कोई न था। गर्क होने वादिये उल्फत में मेरा हम सफर कोई न था, तुम्हारी यादों के सिवाय अलमुक्त सर कोई न था। मर गया नाकामे उल्फत, मंजिले इसरत से दूर, कशीदगी देखिए, मंजिले इसरत से दूर, लाश उल्फत पर मेरी नौहागर कोई न था। क्या बात है। इस खूबसूरत शायरी से आपको नवाज रहे थे जनाब मासूम बैरागी साहब। जिगर साहब का शेर याद आता है कि वक्त लिखेगा कहानी नए मजमून की, वक्त लिखेगा कहानी नए मजमून की, उसकी सुर्खी को जरूरत होगी तुम्हारे खून की। बेशक उस जज्बे से जज्बा मिलाने के लिए और खास तौर से इनकी तरन्नुम के लिए कि जिस वक्त इन्होंने अपने तरन्नुम के राग छेड़ना शुरू किया, आप यकीन मानिए कि मेरे दिल की धड़कनें तो जैसे झंकार उठी। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि हमारे जितने श्रोता हैं वो भी उस भाव में खो गए होंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मासूम बैरागी साहब का। दोस्तों वाजिबा की महफिल के जरिए हमारी कोशिश है कि हम उभरते हुए नए फनकारों, नए कवियों और नए शायरों को जगह दें, मौका दें। अगर आप भी लिखते हैं बाकमाल और आपके कलाम में है दम, तो हमारा आपसे वादा है कि टीवी वन इंडिया पर आपको दिखाएंगे हम। आज की इस महफिल में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में नए कवियों और नए शायरों के साथ। तब तक के लिए मुझको दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए टीवी वन इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।